ହେଉଛି ଚେନାବ ନଦୀ। ଆଉ ଏ ନଦୀର ଉପରେ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ, କୁହୁଡ଼ିର ସେ ପାଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଏ ପାଖରେ ଆମ ଭାରତ। ଏହି ନଦୀରେ ପୁଣି ଶୀତକାକରକୁ ବୃକ୍ଷେପ ନ କରି ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପହରା ଦିଅନ୍ତି ଆମ ବୀର ଯବାନ, ତାହା ପୁଣି ବୋଟ ଉପରେ। पेट्रोलिंग, भाइकल पेट्रोलिंग, एभली अनेक पेट्रोलिंग है था, किंतु पानी रे भी अमर जवान माने एठी पेट्रोलिंग करी थांती, जाकू बोट पेट्रोलिंग कहा जाए। आउ एठु मात्र किछि दूर रे ए जो नदी जाई छी, जो चनाब नदी जाई छी, किछु दूर रे पाकिस्तान पोस्ट आरंभ, तेणु करी बोट रे भी एठी सबु बेले सबु समय रे एठी जो रही छंती अमर जवान माने, महिला जवान कथा कहंतु, पुरुष जवान कथा कहंतु, समस्ते एठी बोट रे भी पेट्रोलिंग करी थांती। मैम, बोट पेट्रोलिंग जैसे कि हम देखते हैं कि फूड पेट्रोलिंग हो गया, व्हीकल पेट्रोलिंग, इसके बाद ये बोट पेट्रोलिंग, और ये इस इलाके में क्यों जरूरी है? वैसे देखिए, ये ओपन एरिया है और रिवराइन एरिया है, तो यहाँ फूड पेट्रोलिंग तो हो नहीं सकती, तो इसलिए बोट में बैठकर अपने एरिया को डोमिनेट किया जाता है। यहाँ पाकिस्तान जो कि नियर बाय है, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होने का बहुत चांस है, इसलिए उसी को डोमिनेट करने के लिए हम बोट पेट्रोलिंग करते हैं। सुबह हो गया, शाम को हो गया, या रात को हो गया, किस वक्त, मतलब कैसे ये पेट्रोलिंग होता है? और जैसे कि सामने कुछ ही दूरी में पाकिस्तान है, ये जो पेट्रोलिंग है ये कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काउंटर पार्ट है उसका कोई भरोसा नहीं है कि वहाँ से कभी भी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, तो उनको अलर्ट दिखाने के लिए हम मतलब मॉर्निंग में भी और दोपहर को भी और इवनिंग और नाइट में भी ये बोट पेट्रोलिंग दिखाते हैं यहाँ पर। मैम, BSF में आप अभी हैं और भर्ती हुए हैं, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मुझे 9 साल हो गए हैं, जो कि मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है, क्योंकि हमारे एक BSF का लोगो है, ड्यूटी अनटू डेथ, कि हमारे जो लाइफ है उससे भी ज़्यादा अगर कुछ इम्पोर्टेंस है तो वो है देश की सुरक्षा, और देश की सुरक्षा से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। मैम, ये एक बहुत बड़ी बात आपने बोली है, जैसे कि अगर देखा जाए आपका घर परिवार भी हुआ, घर परिवार बच्चे ये सब के बाद यहाँ पे आप बॉर्डर में, वो भी फिर इंडो पाक बॉर्डर है जहाँ पे हर वक्त चौकन्ना रहते हैं, जवान चौकन्ना रहते हैं, इस समय में आप काम कर रहे हैं, कैसे, मतलब क्या घर जो महिलाएँ हैं, बाहर की महिलाएँ हैं, उनको क्या मैसेज देंगे, और घर परिवार और बॉर्डर इसको आप कैसे संभालते हैं? देखिए, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक वूमेन हूँ और मैं देश की सुरक्षा कर रही हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं ही अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ, मेरी फैमिली का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं वहाँ से इसलिए फ्री रह पाती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, और मैं यहाँ का, इसलिए मैं बेफिक्र होकर अपने देश की सुरक्षा करती हूँ, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं घर को भी संभालती हूँ और मैं देश को भी संभालती हूँ। उनमें वैसे कौन कौन है? मम्मी पापा, जो कि मैं मैरिड हूँ, तो सास ससुर है मेरे जो कि बहुत अच्छे हैं, मम्मी पापा हैं, तो मुझे घर की तरफ से कोई ऐसा बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है जो कि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए, और वैसे अगर हो भी तो हमारे घर परिवार और हर चीज़ से बढ़ के है हमारे देश की सुरक्षा, जिसके लिए हम यहाँ पर 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। बहुत गोटे बड़ कथा कहले, ଘର ପରିବାର ଏ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ହେଉଛି ମାଟି ମା, ଏ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଏ ମହିଳାମାନେ ଏଠି ବୋଟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।